हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली जम्मू और कश्मीर में स्टार्ट होने वाली जो डीलिमिटेशन यानी कि जो परिसीमन की प्रोसेस के बारे में। तो जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पे इससे पहले डीलिमिटेशन अगर की गई थी तो कैसे की गई थी, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये डीलिमिटेशन या परिसीमन एक्चुअली में होती क्या है, डीलिमिटेशन जो कमीशन होती है ये कौन फॉर्म करता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और डीलिमिटेशन के जो कॉन्स्टिट्यूशनल में प्रोविजन है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। रिसेंटली जम्मू और कश्मीर में जो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज जो है इसको इनेक्ट करने के बारे में फैसला लिया गया है। तो मेनली यहाँ पे देखिए, जम्मू एंड कश्मीर अभी जो फिलहाल एक यूनियन टेरिटरी है और 2018 से ये सेंटर के अंदर है। क्यों? क्योंकि देखिए 2018 में जो जम्मू एंड कश्मीर में उस टाइम में गवर्नर रूल जो है शुरू हो गई थी, और 2019 के अगस्त महीने में जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू जम्मू एंड कश्मीर जो ये एक स्टेट थी उसको तोड़ के जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दो हिस्सों में बांट दिया गया था। तो अभी फिलहाल जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है और जो सेंटर के रूल के अंडर है। तो देखिए, पहले जम्मू एंड कश्मीर में जब भी डीलिमिटेशन प्रोसेस की गई थी यहाँ पे, ये थोड़ी अलग अलग इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में जैसा की जाती है उस प्रोसेस से थोड़ी सी अलग है। कैसे अलग है? तो देखिए, पहले जब जम्मू एंड कश्मीर में लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए यहाँ पे डीलिमिटेशन जो करना पड़ता था, तो उस टाइम जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे करना पड़ता था जो लोकसभा के टाइम में। और अगर बात करेंगे असेंबली सीट्स में अगर करना पड़ता है, तो उस टाइम में जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन और जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1957 के थ्रू जो असेंबली सीट्स पे डीलिमिटेशन किया गया था। तो ये जो है पहले डीलिमिटेशन की जम्मू एंड कश्मीर के स्पेसिफिकली हम लोगों ने इसको समझ लिया। अब समझते हैं कि डीलिमिटेशन एक्चुअली में होती क्या है। तो डीलिमिटेशन इसका जो डिफिनेशन है यहाँ पे, फिक्सिंग और रीड्रॉइंग ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, चाहे वो असेंबली के लिए हो या फिर लोकसभा सीट के लिए हो। तो इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि मान लीजिए कि ये एक स्टेट है और इस स्टेट में हम लोगों ने लोकसभा के लिए ही बोल रहा हूँ कि ऐसे जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड कर दिया है, तो टोटल ऐसे 9 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है एक हाइपोथेटिकल मॉडल में। अभी मान लीजिए यहाँ पे पर्टिकुलर इस जगहों पे इस जो पोर्शन में एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की दबदबा होने लगी, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग आने लगे जो इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उस पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंस में, चाहे वो लोकसभा के इलेक्शंस में हो चाहे वो विधानसभा के इलेक्शंस में हो, कोई भी अगर कैंडिडेट उस बात खड़ा कर देते हैं तो वो जीत ही जाएगा। तो ये क्या होता है, डेमोक्रेसी के लिए ये ठीक नहीं है। और ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन साइज यहाँ पे ये जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी इसको चेंज किया जा सकता है, यानी कि अभी ये कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर इस तरीके से भी बनाया जाए तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज के यहाँ पे अगर चेंज कर दिया गया, तो पहले ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज की पार्ट थी इसको अलग करके एक नया कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना दिया जाएगा। अभी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है अलग अलग जगहों को भी पुराने कॉन्स्टिट्यूएंसीज के भी यहाँ पे जो लोग या फिर एरियाज कवर्ड हो गई है, तो ये डेमोक्रेसी के लिए ही की जाती है। तो इस प्रोसेस को हम डीलिमिटेशन कहते हैं। तो डीलिमिटेशन को जब एक्सरसाइज किया जाता है, एक इंडिपेंडेंट हाई पावर पैनल को फॉर्म किया जाता है जिसको हम बोलते हैं डीलिमिटेशन कमीशन। अभी डीलिमिटेशन कमीशन यहाँ पे जिस प्रोसेस में कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीड्रॉ करेगी उसको किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, यानी कि ये नॉन जस्टिसिएबल है। और ये जो एरिया डिफाइन करती है ये कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, जो उससे पहले के जो सेंसस के हिसाब से किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ताकि यहाँ पे जो है डेमोक्रेसी का पूरा फुल फायदा उठा सकते हैं, यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर जो पॉलिटिकल पार्टी का यहाँ पे दबदबा ना हो। तो डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में समझते हैं कि डीलिमिटेशन कमीशन इसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये काम करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ कोलाबोरेट करके। अभी डीलिमिटेशन कमीशन इसको जो फॉर्म किया जाता है, इसकी जो कंपोजिशन है, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज बैठते हैं यहाँ पे,
चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, और जिस स्टेट में अगर किया जाएगा तो उस स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर भी मौजूद होते हैं। तो ये हो गई डिलिमिटेशन कमीशन। अब इसके जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोविजन के बारे में बेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे, देखिए आर्टिकल 82 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है कि पार्लियामेंट डिलिमिटेशन एक्ट जो है हर सेंसस के बाद फॉर्म कर सकती है यहाँ पे, और आर्टिकल 170 में यहाँ पे स्टेट में जो है डिलिमिटेशन एक्ट हर सेंसस के बाद जो है पार्लियामेंट जो है एनफोर्स कर सकती है यहाँ पे। तो ये जो है यूनियन गवर्नमेंट जो है डिलिमिटेशन कमीशन ये सेटअप करती है किसी भी सेंसस के बाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे पहली बार डिलिमिटेशन कमीशन जो स्टार्ट किया गया था 1951 में, और ये कैरी की गई थी प्रेसिडेंट के द्वारा। तो उसके बाद जो है ये 1951 जो डिलिमिटेशन एक्ट जो है एनेक्ट किया गया था 1952 में, तो उससे बाद जो है डिलिमिटेशन कमीशन जो है एनेक किया गया था। और उसके बाद जो है डिलिमिटेशन कमीशन चार बार अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स को डिलिमिट कर चुकी है। पहली बार किया गया था 1952 में, उसके बाद 1963 में, 1973 और उसके बाद 2002 में। और ये सब जो किया गया है 1952 डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट, 1962, 1972 और 2002। तो यानी कि डिलिमिटेशन एक्ट को जब एनेक्ट किया जाता है उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा डिलिमिट की जाती है, यानी कि परिसीमन की जाती है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए हर 10 साल में एक बार अगर सेंसस होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1981 में, 1991 में, और यहाँ पे अगर बात करेंगे 2011 में, इसके बाद जो है डिलिमिटेशन नहीं किया गया है। तो अभी ये जम्मू कश्मीर में होने की बात यहाँ पे हो रही है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द डिलिमिटेशन इन जम्मू एंड कश्मीर, इन एंड आउट कोशिश की इसको डिस्कस करने के लिए। तो आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।